भाई नवरात्रि का त्योहार तो मना रहे हैं राहुल वैद्य अपने नए एल्बम के साथ, जिसमें दिखाई देंगी खूबसूरत निया शर्मा। तो चलिए चलते हैं और मनाते हैं नवरात्रि का त्योहार राहुल और निया के साथ, उनके इस गाने के साथ। गरबे की रात, निया शर्मा को मिला राहुल वैद्य का साथ। त्योहार ने बना दी निया और राहुल की जोड़ी। आ गया है त्योहार का मौसम और इस नवरात्रि के त्योहार में आ रहा है नया म्यूजिक वीडियो, जिसमें निया शर्मा और राहुल वैद्य गरबा रास करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल छेड़ रहे हैं सुरों की तान और उनके सुरों पर ताल से ताल मिला रही हैं निया शर्मा। गरबे की रात में दोनों जमकर दिखा रहे हैं अपना टशन और साथ ही साथ इसमें घुल रहा है इनके प्यार का रंग भी। नहीं, एक्चुअली ये लिरिक्स जो है बहुत ही ऑथेंटिक गुजराती लिरिक्स है एंड हमारे गाने का नाम है गरबे की रात, जो आ रहा है ऑन द 8th। एंड अगर आप देखें तो इसको हमने जो फोक डाकला जो जिसको कहते हैं उसको हमने रिक्रिएट किया है और बाकी इसमें थोड़ी सी छेड़खानी और थोड़ा सा प्यार वो भी रखा हुआ है। सेम धुन, आई मीन जब मैंने वो सॉन्ग भी सुना ना, इट इज़ एक्चुअली वेरी पेपी, यू नो, सो इट्स अ वेरी कैची नंबर। और फॉर नवरात्रे मुझे बस बीट समझ में आती है समटाइम्स व्हेन आई डोंट इवन अंडरस्टैंड द लिरिक्स, सो यू जस्ट वांट टू डांस ऑन अ पेपी नंबर लाइक दैट एंड ही संग इट सो ब्यूटीफुली। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स बीन अ ब्यूटीफुल वन एंड या, सो आई लव दिस सॉन्ग। और अपने अपना वो डांस भी आ रहा है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर सॉन्ग इज दैट देयर इज नो डांस, देयर इज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री, देयर इज अ लॉट ऑफ टशन एंड आई लाइक इट। एक तरफ निया ने जहाँ चमचमाते शीशों से जड़े कपड़े और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन रखी है, तो वहीं राहुल ने पहनी है खिली खिली फंकी रंगीन डेनिम जैकेट और पीछे लिखा है ईट स्लीप गरबा रिपीट, यानी इस नवरात्रि में पूरे 9 दिन जमेगी गरबे की रात। रंग भी रंगी है, शीशे जड़े हुए हैं और माथे पर मेरे टीका है, माता के भी कुछ अपने पसंदीदा रंग होते हैं, तो हमने बड़ी सारी अच्छी कोशिश करी, बड़ा कलरफुल वीडियो है, बहुत अच्छा सेटअप है, आपने देखा ही, दर्शकों ने देखा ही है। पहली बार इस म्यूजिक वीडियो के लिए निया शर्मा और राहुल वैद्य की जोड़ी जमी है। राहुल ने बताया कि नवरात्रि का ये गाना उन्होंने 2020 में बनाया था, लेकिन बिग बॉस के चलते वो इस गाने को बना नहीं पाए, लेकिन इस साल इन्हें मौका मिल ही गया इस गाने को फिल्माने का और उस पर से उनको साथ मिला है टीवी की सबसे चुलबुली लड़की यानी कि निया शर्मा का, जिसके साथ उन्होंने जमकर डांस भी किया और साथ ही साथ ऑफ कैमरा ढेर सारी फोटोज भी खिंचवाई। की जो एक पर्सनालिटी है दैट इज कमिंग थ्रू इन द सॉन्ग, वी वांटेड समवन जो एक एनर्जेटिक हो, यू नो, जो नटखट चुलबुली और यू नो उस बड़ा ना एटीट्यूड इन अ वेरी नाइस वे एंड दैट इज कमिंग थ्रू इन द सॉन्ग। अगर ये गाना चले और आप लोग नहीं अगर झूमे तो मेरा नाम बदल देना। इस बार हमने सोचा कि करें, भले ही पैंडेमिक हो या ना हो, गरबा पब्लिक गरबा हो रहे हों या ना हो रहे हों, बट वी विल मेक श्योर दैट द सॉन्ग कम्स आउट एंड हम अपनी कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल एज एन आर्टिस्ट व्हेन आई सी कि कितनी सुंदर फ्रेम लग रही है, दिए इतने सुंदर लग रहे हैं, ये इतनी सुंदर लग रही हैं। अरे माथा पर टीका लगाड़ियो मैं आव्यो माथा पर टीका, ए ए ए सतरंगी चोड़ी माँ शीशे जड़ाव्यो सतरंगी चोड़ी माँ, गरबे की है रात हाथों में दे हाथ भूले ना ये साथ ऐसे नाचो, थोड़ा फिसल जाओ हद से निकल जाओ फिर ना संभल पाओ ऐसे नाचो। भाई वाकई ये गाना तो बड़ा ही पैपी है और हर साल नवरात्रि के मौके पर ऐसा एक गाने का आना तो बनता ही है, जिसमें सब अपने कदम भी थिरका सके और माता रानी का आशीर्वाद भी ले सके। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।